बारिश के बाद कई जगह जलभराव और ट्रैफिक की स्थिति बन गई। फिलहाल मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कोई झरना नहीं है बल्कि एबी मथुरा रोड, जहां पर दिल्ली की मंत्री आतिशी और कई बड़े अधिकारियों का घर है, वहां से ये झरना यानी कि पानी की निकासी की जा रही है। और कहां की जा रही है ये तस्वीर आपको दिखा दे, ये है प्रगति मैदान का टनल, जो पानी एबी मथुरा रोड पे मंत्री के घर के बाहर जमा हो गया है, कई बड़े अधिकारियों के घर के बाहर जमा हो गया है। वो पानी की निकासी कुछ इस अंदाज में की जा रही है कि सारा पानी जो है ये प्रगति मैदान टनल में छोड़ा जा रहा है। फिलहाल टनल वैसे ही लोगों के लिए आने जाने के लिए बंद कर रखी थी और यहाँ पर ये पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, इसकी निकासी की जा रही है मथुरा रोड पर, जो ऊपर पानी भरा है, जिसकी वजह से अब नीचे इस टनल में भी काफ़ी पानी जमा हो गया है। फिलहाल दिल्ली की स्थिति पर सवाल खड़े होते हैं, दिल्ली के हालात पर सवाल खड़े होते हैं, जल भराव पर सवाल खड़े होते हैं, और ये भी सवाल खड़ा होता है कि अभी तो मॉनसून आया ही नहीं है, उससे पहले ही एक थोड़ी सी बारिश ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया। और ख़ास तौर से ये कि बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के घर के बाहर से जो पानी की निकासी की जा रही है पंप लगाकर, वो निकासी क्या इसी तरह से रहा, अगर यहाँ पर चल रही होती, रोड चल रही होती, तो क्या फिर भी इसी टनल पे किया जाता। फिलहाल ये सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला। कैमरा पर्सन मनीष केर के साथ मध्य एबीपी न्यूज़ दिल्ली।